हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टू डॉक्टर वंस अगेन। तो आज का वीडियो है एक नए फ़ोन के जिसकी आज सेल लगी थी। फ़ोन का नाम है वीवो U20। तो 10,990 रुपये का स्टार्टिंग फ़ोन है ये, और बजट वही मिड सेगमेंट में आता है। और कैसा है ये फ़ोन और ये कैसा रहेगा, इस M30s के मुकाबले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सारे पॉइंट्स में जो मुझे लगता है एज ए टेक्नो एक्सपर्ट जो मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए बेसिकली। तो प्लीज़ बने रहे इस वीडियो के साथ अगर आप जानते हैं इस फ़ोन के बारे में और थोड़ा कंफ्यूजन में है कि ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम वीवो U20 की। फ़ोन आपको दिखा देते हैं ज़रा। तो ये है फ़ोन वीवो U20। दिखने में अच्छा है, बट हमें बात करनी है कि ये काम का है या नहीं। तो U20 में आपको मिलने वाला है मेन स्नैपड्रैगन 675। ये इसके कॉलकॉम एक्सिनोस जो 9 सीरीज़ का है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। 5000 mAh की बैटरी है इसकी, 6000 mAh की बैटरी के मुकाबले कुछ भी नहीं। 16.5 यानी 6.5 इंच का डिस्प्ले, थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है, फुल HD है प्लस, पर इसके एमोलेड स्क्रीन, सुपर एमोलेड, सो OLED डिस्प्ले के आगे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इन्हीं सभी फैक्टर्स में ये फ़ोन सैमसंग M30s से सीधे सीधे पीछे हटता है। अब इसकी बात करते हैं, डिस्प्ले हो गया, ट्रिपल कैमरा इसमें भी है। तो जैसे मैं कैमराज की आपसे बात कर चुका हूँ कई बार कि कैमराज बस छेद हैं, क्या मैटर करता है मोबाइल्स में इसके अंदर का सॉफ्टवेयर। तो इसका सॉफ्टवेयर आई थिंक सो विल बी गुड इनफ टू गेट सम पिक्चर्स, बट कैमरा इसके मुकाबले में बढ़िया नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सैमसंग का जो UI है काफ़ी बेहतर है। तो ये तो थी ब्रीफ में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसकी दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा अपने विचार से कहे जाए तो आपको ये फ़ोन किसको लेना चाहिए। ये फ़ोन U20 फ़ोन अच्छा है, बुरा नहीं कह रहा, फ़ोन को बुरा गति नहीं कह रहा, क्योंकि आपको 11,000 रुपये में बहुत अच्छा, मतलब प्रोसेसर बुरा नहीं है, बट M30s के मुकाबले में पहले मैं कह रहा था कुछ नहीं है, लेकिन वैसे प्रोसेसर ठीक है। ये फ़ोन उनके लिए है जो गेमिंग नहीं करते हैं, मतलब हैवी गेमिंग नहीं करते हैं, लाइट गेम्स खेल लेते हैं जैसे कैंडी क्रश हो गया, ऐसी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी गेमें खेलते हैं जो, और साथ में जिनका यूसेज भी इतना नहीं है, बस वो फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं एंड यूट्यूब देख लेते हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये फ़ोन अच्छा है, मतलब बजट फ़ोन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं गुड डिस्प्ले, आप चाहते हैं गुड साउंड, 3D एटमस ऑन योर ब्लूटूथ ईयरफोन्स, आप चाहते हैं परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ गेम्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन में फ़ोन हैंग ना करे, मल्टीपल एप्लीकेशन आप साथ साथ खोल सकें, और काफ़ी चीज़ें स्मार्ट फीचर्स जैसे होते हैं इसमें, ऑल टाइम डिस्प्ले हो ये अगर, और OLED डिस्प्ले बहुत सुंदर लगता है, तो ये अगर आप चीज़ें चाहते हैं तब आप डेफिनेटली ये फ़ोन मत लें, तो सीधा सैमसंग M30s पर आ जाएं। ऑन द अदर हैंड, आप एक ऐसे यूज़र हैं जिनको डिस्प्ले मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक फ़ोन के वीडियोस नहीं देखते हैं, उनको बस फ़ोन चाहिए व्हाट्सएप मैसेजिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया, थोड़ा बहुत गेम चला लिया, मतलब समरी की जाए तो ये एक लाइट यूज़र के लिए फ़ोन बनाया गया है, वो लाइट यूज़र जो कभी कभी गेम्स खेल लेता है, वो लाइट यूज़र जो कभी कभी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है, वो लाइट यूज़र जो कभी कभी इंटरनेट सर्व कर लेता है, लेकिन जो हैवी यूज़र है हमारी तरह और शायद आपकी तरह भी, उसके लिए ये फ़ोन कतई नहीं। तो 11,000 तक आप जा रहे हैं तो 3-4,000 और डालकर आप सैमसंग M30s ज़रूर लीजिए। तो ओवरऑल कंपैरिजन में देखा जाए तो M30s डेफिनेटली इससे अच्छा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक लाइट यूज़र हैं तो लाइट यूज़र के लिए मैं अभी रिकमेंड करूँगा ये फ़ोन, बहुत अच्छा है इस स्पेसिफिकेशन में, इन चीज़ों में जो दे रहे हैं लाइट यूज़र के लिए बहुत बढ़िया है। तो
कोई भी आपकी क्वेरी हो इस फोन से रिलेटेड तो आप प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका मैं हाइपरलैप्स का वीडियो बना रहा हूँ, तो सून आएगा तो आपको इसका एक और फीचर पता लगेगा सैमसंग M30s का। और जिनके पास सैमसंग M30s है वो ज़रूर लिखें, ताकि मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, ताकि दूसरे बायर्स को इसमें कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस तो काफ़ी मेरे वीडियो से आ चुका होगा और काफ़ी और वीडियोज बन चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स ने भी इसको रिकमेंड किया है, इट इज़ वन ऑफ द गुड फोन इन मिड सेगमेंट। तो स्टिल अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप लिखें। और U20 जिनको पसंद आया तो वो ले सकते हैं, लेकिन पसंद आने वाले अगर आपका यूसेज ज़्यादा है, आप एक्सटेंसिव यूज़र हैं, गेमिंग भी एक्सटेंसिव पबजी जैसी करते हैं, तब ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, तो तब आप ये फ़ोन खरीद ना लें। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी राय बन जाए। आज इसकी सेल लगी थी, आई थिंक अभी भी चल रही है, वीवो U20 की इन स्टॉक है अभी, तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। थैंक यू वेरी मच, होप आपको पसंद आएगा मेरा। और सून मैविक मिनी का वीडियो की अपडेट आपको दूंगा, और बने रहें इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।